नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज परसेंटेज का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% क्या है? बनाएंगे इसको। 300 का 25% का भी जो दिया गया, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। 300 का 25% का 20% निकालना है। कह दो जगह का है, एक यहाँ भी का है, एक यहाँ भी का है। जहाँ जहाँ का है वहाँ हम गुणा का चिन्ह देंगे, ठीक है। 300 का अर्थ गुणा 25, अब परसेंटेज का मतलब बटा में 100, ठीक है। का अर्थ हुआ गुणा 20/100। देखिए कटाएंगे, 25 चौका 100, अब 20 25 100, ठीक है। अब 5 6 30, आए 60 5 300 हो गया, आए 15 चौका 60। क्या हो, केवल ऊपर बचा 15, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 1 15/1 यानी 15 आंसर। कितना होगा आंसर? 15। ऑप्शन में आपका आंसर होगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, x का 40% का 40% 140 हो तो x का मान क्या होगा? दिया गया है x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान निकालना है। देखिए बनाते हैं, x यहाँ का है तो गुणा देंगे 40% बट्टा में 100 हो जाएगा, परसेंट के जगह पर बट्टा में 100 किए, का है तो गुणा देंगे, ठीक है। यहाँ 40 है, 40 दिए, परसेंटेज के जगह पर क्या रखेंगे, 100/100=40 दिया है, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए कटाएंगे, एक जीरो कट गया, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या बचा, ऊपर बचा आपका 4 चौका 16, एक से तो एक से लिख दिए, अब बटा में 100 है, बराबर 40, ठीक है। देखिए 16x/100=40 दिया है, ठीक है। तो x का मान निकालना है हमको, तो 16x/40 × 100 हो जाएगा, ये वाला बट्टा में है तो बराबर को उधर गया तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x का मान क्या होगा, यहाँ गुणा छिपा हुआ है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x/40 × 100/16। अब देखिए 4 से कटाएंगे 4 चौका 16 4 दहिया 40, ठीक है। 2 से कटेगा 25 चौका 100 कर देंगे, 25 में 10 से गुणा करेंगे तो 25 दहा का 250 आंसर हो जाएगा आपका, कितना 250। समझ में आया? देखिए x का 40% का 40% 40 दिया है, इसी के जैसा दिया है। यहाँ क्या था, अंक यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ x का निकालना है, उसका मान निकालना है, तो हमारा कितना है 250। देखिए x का 40% 40 बट्टा में 100 करेंगे इंटू, फिर यहाँ भी 40 दिया उसका बट्टा में 100 करेंगे, बराबर 40 दिया तो बराबर 40 लिख दिए, ठीक है। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे x का मान निकालिए, कितना है 250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए किसी संख्या का 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ संख्या नहीं दिया है, संख्या निकालना है, तो हम मानेंगे, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, कह रहा है किसी संख्या का 40%, संख्या जब x रखेंगे तो x का प्रश्न चाहिए, बाई क्वेश्चन, x का 40%, x का 30% दिया है, 30% का 15% बराबर 18 है तो, ठीक है। अब देखिए x गुणे 30, परसेंटेज का मतलब बटा में 100 हो गया, का अर्थ हुआ गुणा या 15, परसेंटेज जगह पर हम क्या रखेंगे, परसेंटेज के जगह पर बटा में 100, ठीक है, यहाँ रख दिए, बराबर 18 है तो 18 रख दिए। अब कटाइए, 10 3 30 10 9 100, ठीक है, 5 2 9 10 5 3 15, ठीक। अब नहीं कटेगा, इधर देखिए 3 3 का 9 9x हो गया, बटा में यहाँ देखिए 2 × 100 है, क्या है 2 × 100, अच्छा 200 मान लेते हैं, 2 में 100 से गुणा किए तो 200 हो गया, बराबर 18 है तो 18 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब तिरछा तिरछी गुणा का, यहाँ कुछ नहीं तो समझिएगा एक है, 1 में 9 से गुणा होगा तो 9x, एक से तो एक्स देंगे, बराबर 200 × 18, तो 18 × 200 करेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं आप, समझाने के लिए आप लोग एक डाले थे, ठीक है। तो यहाँ बताइए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा,
बटा में नौ, ठीक है, नौ दूना अठारह, तो दो गुणे दो सौ, दो सौ दूना चार सौ, आपका आंसर कितना आएगा चार सौ, चार सौ को टिक करेंगे। देखें कितना आया, किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, तो संख्या कितना आया 400, आपका आंसर कितना होगा 400, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है चार नंबर, x का 40% का 16% 8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, दिया गया x का 40% का 16% 8 है, 16% बराबर 8, ठीक है। अब हल करेंगे, x गुणे 40 बटा 100 गुणे का अर्थ हो गुणा, यहाँ 16 है तो 16 बटा में 100 हो जाएगा परसेंटेज के जगह पर, ठीक है, और बराबर 8 है तो बराबर 8 वैसे ही कि वैसे उतार दिए। अब देखिए कटाएंगे, 10 चौका 40, 10 दही 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 चौका 100 कटा दिए, अब 2 5 10 और 2 8 16, क्या बचा, ऊपर केवल 8 दिखाई दे रहा है, x इंटू 8 बटा में क्या हो जाएगा 5 5 गुणे 25, 25 5 125 बराबर 8 हो गया, ठीक है, बराबर 8। देखिए यहाँ बना रहे हैं अब, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे, ये भाग में है तो बराबर को उधर गया तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, भाग में है यहाँ तो बराबर को उधर गया गया तो गुणा में हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 125, यहाँ गुणा में तो बराबर को इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारा केवल 125, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का 40% का 16% 8 हो तो संख्या कितना निकल कर आया 125, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है, दिया गया एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनमें 660 लड़कियां हैं और विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है, दिया गया किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी का अर्थ हुआ लड़का प्लस लड़की, ठीक है, उसमें से लड़कियों का संख्या दे दिया 660 और लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, दिया गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 1200 दिया है, 1200 लिख दिए, इसमें से लड़कियों की संख्या दिया है लड़कियों की संख्या कितना दिया है 660, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 1200 में 660 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगा, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 1200 माइनस 660 घटाएंगे, 1200 में 660 घटाएंगे 0, यहाँ 10, 10 में से 6 हो गया 10, यहाँ 10 होगा, 10 में से 6 हो गया 4 और 11 में से 6 हो गया 5, 540 होगा टोटल, लड़कों की संख्या कितना होगा 540। अब कह रहा है लड़कों का प्रतिशत कितना है, संख्या नहीं पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, तो निकालेंगे लड़कों का प्रतिशत बराबर पर तो कितना आया है, लड़कों की संख्या 540 उसको ऊपर रखेंगे, अब बटा में टोटल विद्यार्थी कितना दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200, बटा में 1200 करेंगे और गुणे 100 करेंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कटाएंगे, 10 से 10 कटा दिए, 4 से कटाएंगे, सॉरी इस तरफ कटा दीजिए, वैसे भी कट जाएगा, चाहे इससे 540 है बटा में 1200 और यहाँ 100% करेंगे, ठीक है, आसान तरीका ये है, 00 से 00 कटा देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से कटाएंगे, 4 3 12, 4 1 कम 4, यहाँ 1 मिलकर 14 हो गया, 4 3 12 और 4 5 20, देखिए 3 से कटाएंगे, 3 4 12 और 3 5 15 कितना हुआ 45%, लड़कों के प्रतिशत कितना हुआ 45%, ठीक है, आपका आंसर 45% होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं,
दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, क्या दिया है, 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 600 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है, जिसमें से 70% लड़का दिया है, 70% लड़का दिया है, ठीक है, लड़के हैं, 70% लड़के हैं, ठीक है। अब देखिए तो कितना परसेंट बचा, 100 में हम 70% घटाए तो 30% हुआ, 30% बराबर 600, यानी क्या कह रहा है, 30% लड़कियों की संख्या 600 है, तो 30% बराबर 600 कर देंगे तो माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x लेते हैं, कुल विद्यार्थियों संख्या बराबर x, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन से, प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या 600 है, यानी x का 30% बराबर 600 दिया है, क्या दिया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 600 दिया है 30%, ठीक है, तो x का 30% बराबर 600, ठीक है, तो यहाँ x रखेंगे का अर्थ हुआ गुणा 30/100 बराबर 600, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कटाए, 3x हुआ बटा में 10 हुआ बराबर 600, 3x बराबर 600, तिरछा तिरछी गुणा उधर जाएगा तो 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 600 दहिया 6000, ठीक है, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, गुणा में तो बराबर को इधर गया तो भाग में हो जाएगा 6000/3, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा 2000, तो यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 2000, संख्या बराबर x बराबर 2000 टोटल विद्यार्थियों की संख्या हुआ, ठीक है, और जिसमें से दिया है 70% लड़के हैं, तो 2000 निकालेंगे, 2000 का 70%, ठीक है, लड़कों की संख्या निकालेंगे जब, लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों का 70% निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या x का 70% निकालिए, चाहे 200 का 2000 का 70% 2000 का 70% 2000 × 70/100, ठीक है, 00 से 00 कट गया, 20×70 तो 7×2=14 हो जाए, 1×2=1400 हो जाएगा, कितना संख्या हो जाएगा लड़कों की संख्या 1400, ठीक है, लड़कों की संख्या 1400, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।